Similarly, this Bhagavad Gita manifested by the mercy of the Supreme Lord, though it is eternal, as a catalog of a life for the living entities and specifically for the human beings. ये catalog है और ये guarantee भी है. ये warranty और guarantee दोनों है हमारे जीवन की. एक बार हम मॉरिशस में थे और इंटरव्यू में उनके चैनल के ऊपर इंटरव्यू था गवर्नमेंट का, जो उनका एमबीसी है, मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन. तो हमसे प्रश्न ये पूछा गया कि 5000 साल से अधिक पुराना इज ए ओल्ड मैसेज ऑफ भगवद गीता, हाउ इट इज रिलेवेंट टू द प्रेजेंट पॉपुलेशन. 5000 साल पुराना ये भगवद गीता का संदेश आज लोगों के लिए कैसे काम आ सकता है? तो हमने उनसे प्रश्न पूछा कि मां की आवश्यकता है क्या जीवन में? मां जीवन में चाहिए कि नहीं चाहिए? जन्म देने के लिए भी मां चाहिए, दूध पिलाने के लिए भी पहले मां चाहिए, उंगली से पकड़ के लिए चलाने के लिए भी मां चाहिए, और भाषा बोलने के लिए भी मां चाहिए. मदर टंग है. मदर विल ब्रिंग अस इन दिस वर्ल्ड, मेक अस टू वॉक एंड मेक अस टू टॉक. बोला ये तो सच है. तो मैंने कब से माता का जरूरत पड़ी है? जब से सृष्टि हुई तब से माता चाहिए कि नहीं चाहिए? जब से दुनिया शुरू हुई है तब से सबको माता की जरूरत है कि नहीं है? बिना के माता के ना कोई बोल सकता है, ना चल सकता है, और ना जन्म ले सकता है. बोला ये तो ठीक है, लेकिन आप ये भगवद गीता से कैसे जोड़ते हैं? मैंने व्यास देव ने लिखा है अष्टादश अध्यायनी अम्ब. अम्ब कहते हैं माता को. ये 18 अध्यायों की माता है. और महात्मा गांधी जी तो कहा करते थे कि संसार की समस्याओं में जब मैं घिर जाता हूं, सो मैनी ट्रबल्स कम इन माय लाइफ एंड व्हेन आई एम कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड पर्टर्ब्ड एंड कंफ्यूज्ड, आई जस्ट गो एंड टेक शेल्टर ऑफ भगवद गीता. जैसे बच्चा दुखी होके मां की गोद में सर रखता है, ऐसे मैं गीता के अंदर अपना सर रखता हूं, और गीता ने कभी मुझे निराश नहीं किया है. आई नेवर बिकेम होपलेस. एवरी टाइम गीता शोड मी द न्यू लाइट एंड न्यू डायरेक्शन, न्यू रियलाइजेशन. नया नया गीता से सदा मेरे को मार्गदर्शन मिला है. सो पहले तो ये समझना चाहिए, गीता इज नॉट सिंपली ए बुक. गीता इज कृष्ण हिमसेल्फ इन हिज ओन फॉर्म एज ए लिटररी इनकार्नेशन. ये भगवद वाणी है. भगवान और भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं. एंड इट विल रेसिप्रोकेट विद यू एज यू अप्रोच हिम विद ए सर्विस एटीट्यूड एंड सरेंडर. इट विल रेसिप्रोकेट विद यू. सेवा और शरणागति का भाव होगा तो ये पुस्तक आपके साथ बहुत उत्तम व्यवहार करके उंगली से पकड़ के चलाएगा. सो पहले ये है कि गीता को माता कहा गया है. और एक और श्लोक गीता के महात्म्य में है, उसकी कितनी हमारे को जीवन में आवश्यकता है. वो श्लोक गीता के महात्म्य का बहुत अच्छा है. एक किसी भी सभ्य मानव को पूछो कि रोज स्नान करते हो कि नहीं करते? बोला स्नान करना तो बहुत जरूरी है. क्यों करने की जरूरत है? बोला पहले तो स्नान करने से सुस्ती चली जाती है, आलस चला जाता है, लेजीनेस चला जाता है, पानी ऊपर पड़ते ही जाग जाते हैं. और दूसरा, शरीर के अंदर जो पसीना है, जो मैल है, व्हाटएवर डर्टी थिंग्स आर ऑन द बॉडी, दे आर वॉश्ड एवरी डे, वी हैव टू टेक बाथ. हाँ सही है. और ये श्लोक कहता है मल निर्मोचनम पुंशाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताम बसी स्नानम संसार मलनाशनम.
रोज स्नान करना पड़ता है शरीर को साफ करने के लिए, परंतु गीता के अमृत में स्नान कर लो तो जन्म मृत्यु के सारे समस्याओं का समाधान हो जाए। तो यहां गीता के अध्ययन को, गीता के समझने को स्नान से तुलना दी गई है। कभी हम कहते हैं कि रोज सुबह उठ के मंजन करना जरूरी है, हम अपने टीथ शार्प करते हैं ना, मंजन क्यों करते हैं, क्या जरूरत है, बहुत बड़ा दुर्गंध आता है, फाउल स्मेलिंग है, उठ के ही पहले दांत साफ करना चाहिए जी। ठीक इस प्रकार से हमारे जितना मंजन जरूरी है, जितना स्नान जरूरी है, इतना हमारे मन के अंदर जो कचरा पड़ा है, ये तो थोड़ा सा फाउल स्मेल आएगी, लेकिन जो मन के अंदर कचरा पड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, संसार में इसके कारण इतने झगड़े हो रहे हैं, इतने बड़ी लड़ाइयां हो रही है, इतना बड़ा आतंक हो रहा है। आश्चर्य तो यह है कि युद्ध भूमि के बीच में ही इस गीता का अवतार हुआ। ऐसा नहीं है कि उससे पहले गीता नहीं थी, गीता तो सूर्य देव को भगवान ने दी है, और सूर्य कब से, जब से सृष्टि है तब से सूर्य है। तो इसलिए गीता सूर्य देव को देने का उद्देश्य एक ये है कि सूर्य एक है, पूरे विश्व को प्रकाश देता है, भारत को भी वही सूर्य प्रकाश देता है, अमेरिका को भी वही देता है, रशिया को भी वही देता है, हम और चाइना को भी वही देता है, और दुनिया के सब देशों को एक ही सूर्य प्रकाश देता है, और सबको जगाता है और जीवन देता है और सक्रिय करता है। तो भगवान ने सूर्य देव को, विवस्वान को ये शिक्षा दे के ये सिद्धांत स्थापित किया कि गीता सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, सर्वकालीन है, ये सब समय के लिए, सब जगह के लिए, सब लोगों के लिए है। जैसे सूर्य भारत का अलग नहीं है, और अमेरिका का अलग नहीं है, रशिया और चाइना का अलग नहीं है, ऐसे गीता सबके लिए। और ये सिद्धांत गीता की यूनिवर्सल एप्लीकेशन और गीता का साइंटिफिक अप्रोच, इट इज अ साइंस ऑफ सोल एंड साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड है, ये आत्मज्ञान आत्मविज्ञान है। कृष्ण वंदे जगत गुरुम जो शब्द कहा है, वंदे का मतलब है जिसको हम प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। जगत गुरुम कृष्ण कौन है, जगत का गुरु है, जगत का गुरु का मतलब सबका गुरु, इसको कहते हैं समेष्टि गुरु, सबका गुरु। वैसे गुरु का अर्थ होता है जो हमको सिखाता है, सामान्य भाषा में सिखाने वाले को गुरु कहते हैं। तो हमारे को जीवन में हम जो पढ़ते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उसमें हमको इस शरीर को कैसे चलाना चाहिए, अथवा इस शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा कमाने की आवश्यकता है, वो हमको आधुनिक शिक्षा से प्राप्त होती है। मॉडर्न एजुकेशन ओनली गिव अस द नॉलेज हाउ टू मेंटेन द बॉडी एंड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी, अपने परिवार का कैसे पालन करें। परंतु एक बात समझ में आनी चाहिए जो गीता का मुख्य केंद्र बिंदु है, जो गीता का शुभ आरंभ है, वो है आत्मज्ञान से। तो असल में हम दो चीजों के बने हुए हैं, ये एक शरीर है हमारे को जो मशीन की तरह है, और इसके अंदर आत्मा है जो इसका मालिक है, और उसी के कारण ये शरीर काम करता है। बहुत सरल सा, वेरी सिंपल एग्जाम्पल है, एक डेड बॉडी और लिविंग बॉडी में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड डेड, क्या अंतर है दो में, शरीर तो वैसा ही होता है, तो वो क्या चीज है जो एक 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 शरीर से कम हो जाती है, माइनस हो जाती है, उसको हम डेड कहते हैं, वो है आत्मा। तो दो प्रकार का स्वधर्म होता है, स्वधर्म मतलब स्वयं का अपना, वन सेल्फ, धर्म का मतलब ऑक्यूपेशन। तो दो धर्म है, दो स्वधर्म है, एक शरीर का स्वधर्म है, वो सबका अलग अलग है,
इंजीनियर का अलग है, डॉक्टर का अलग है, स्त्री का अलग है, पुरुष का अलग है, एक किसान का अलग है और एक व्यापारी का अलग है, एक सैनिक का अलग है और एक अध्यापक का अलग है, ये उनके शरीर का धर्म है, काम अलग है, परंतु आत्मा का स्वधर्म क्या है? जैसे हमको भोजन रोज शरीर को 3 टाइम चाहिए, नहीं खाएंगे तो शरीर काम नहीं करेगा, ऐसे आत्मा का भोजन क्या है? प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे कि अच्छा आपके पास तोता है, उसको रखने के, यू हैव ए पैरट एंड यू वांट टू गेट ए नाइस केज, आप सिल्वर का केज लेके आ जाइए और उसके ऊपर बहुत फूल सजाइए, उसको बहुत अच्छा गोल्डन पेंट कीजिए, परंतु उसमें तो रोज उसको ही तो सफाई करें, सेंट लगाएं, लेकिन अंदर तोते को खाने के लिए कुछ भी नहीं दें तो उस पिंजरे का क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट केज इफ यू डोंट केयर फॉर दैट पैरट व्हिच इज इनसाइड। यही सारे संसार की समस्या है। Everybody is caring for the body, but nobody is even aware of the existence of the soul. What to speak of the needs of the soul? इतने यूनिवर्सिटियां हैं, इतने कॉलेज हैं, इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, कहीं भी साइंस ऑफ सोल नहीं पढ़ाया जा रहा। एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट डिजास्टर इन दिस वर्ल्ड दैट नोबडी इज अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। और शांति का सूत्र जो है, दुनिया सारी शांति चाह रही है और शांति का सूत्र भगवत गीता में है, उसके लिए आवश्यक है पहले उसको पढ़ना और समझना। तो हम आपको सिंपल कुछ बातें अब यहां तक करके अब प्रैक्टिकल हम आपको ये कहना चाहते हैं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जीवन में क्या है? हमारा जिंदा रहना। अगर हम हैं तो दुनिया है, अगर हम नहीं है तो दुनिया कहां से आए? पर हमारे लिए दुनिया रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है? व्हाट इज द डिफरेंस? सो हम जिंदा किस का, व्हाट इज दैट व्हिच मेक अस अलाइव? हम जिंदा है किसके कारण? आत्मा के कारण। आत्मा है इसलिए हम जिंदा है। तो हमारी प्रायोरिटी जीवन में सोल को होनी चाहिए पहले। दूसरा, हम जिंदा हैं लेकिन दूसरी प्रायोरिटी हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए? हम स्वस्थ, वी मस्ट बी हेल्दी, हमको स्वस्थ होना चाहिए। अगर हम स्वस्थ हैं तो स्वयं भी सुखी हैं और सक्रिय हो जाएंगे, वी विल बी हैप्पी एंड वी विल बी एक्टिव एंड वी विल नॉट बी ट्रबल फॉर आवर ओन फैमिली एंड फ्रेंड्स। तीसरा क्या सिग्निफिकेंस हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है? सो पहली प्रायोरिटी सोल, सेकंड प्रायोरिटी बॉडी, बॉडी बट हेल्दी बॉडी, थर्ड प्रायोरिटी हमारा फैमिली। हमारा फैमिली हमारे लिए थर्ड प्रायोरिटी है। उन्होंने, हमारे माता पिता ने हमको जन्म दे के पाला पढ़ाया, हमको शादी कराई, हमारा परिवार है, सब कुछ है, और वो बच्चे उनका हमको देखभाल करना है। तो जो कुछ हम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, परिवार के लिए कमा रहे हैं, तो उसके लिए समय निकालना चाहिए। और चौथा है, इन सब चीजों को चलाने के लिए पैसा, यू नीड सम मनी, नंबर फोर। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है मॉडर्न सिविलाइजेशन में, जो नंबर फोर है उसको हमने नंबर वन दे दिया, मनी को हमने पहला नंबर दे दिया, और सोल जो नंबर पहला है उसको हमने चौथा नंबर भी नहीं दिया, वी फॉरगॉट, उसको हम भूल गए। अब इसका परिणाम क्या निकला है? पैसा बहुत आ गया, लोगों के पास पैसा बहुत आ गया, गाड़ियां बड़ी हो गई, कोठियां बड़ी हो गई, घर बड़े हो गए, सब मॉडर्न गैजेट मिल गई, परंतु शांति चली गई, कोई भी पीसफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि सोल का चिंतन छोड़ दिया, आत्मा का चिंतन छोड़ दिया, कोई स्वस्थ नहीं है। रोज नई अस्पताल बन रही है और उद्घाटन करते हैं कि नई अस्पताल आ रही है, क्या आवश्यकता है इसकी, क्योंकि रोगी ज्यादा हो गए,
स्वस्थ खतकाऊ स्वस्थ चला गया, परिवार छिन्न भिन्न है, दी फैमिलीज आर कंप्लीटली ब्रोकन। अब हम दो, हमारे दो ये भी नहीं चल रहा है अभी तो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तरह से एक पत्नी यहां जाता है, पत्नी वहां कमाने जाती है, बच्चे बीच में भटक रहे हैं, समय नहीं है ना। हम तो लोग बच्चे कहते हैं हमारे को पेरेंट्स समय नहीं देते हैं, पत्नी कहती है पति समय नहीं देता है। तो शांति चली गई, स्वस्थ चला गया, परिवारक सुख चला गया, केवल धन आया। तो हमने हमारे प्रायोरिटी को अपसाइड डाउन कर दिया। अब आपको गीता के दृष्टिकोण से ये बता दें कि सब दुनिया में जितने लोग हैं सबके पास 24 घंटे हैं, किसी के पास 25 नहीं है और किसी को कम 23 नहीं दिए। 24 आवर्स आर फॉर एवरीबॉडी। इस टाइम को मैनेजमेंट करना सीखो गीता से। 8 घंटा आपके शरीर के लिए है, फॉर योर बॉडी यू हैव 8 आवर्स। सो नहाओ खाओ कपड़े बदलो, 8 आवर्स आर फॉर यू, फॉर योर बॉडी। और 8 घंटा है बॉडी और बॉडी के बाय प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए। यू वर्क, यू स्टडी, यू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, बट यू अर्न, बेसिकली यू अर्न, यू वर्क। और अगर घर में स्त्री है तो घर का काम काज करे, लेकिन 8 घंटे से ज्यादा कहीं किसी को काम की जरूरत नहीं है। किसी भी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में अथवा किसी सर्विस में 8 घंटे स्टैंडर्ड टाइम टेबल जी। बाकी जो 8 घंटे आपके पास है वो किसके लिए? वो है आपके अपने लिए, आपके शरीर के लिए नहीं। उसका तो 8 घंटे दे दिए आपको, कमाने के लिए नहीं, वो तो आपको दे दिए 8 घंटे। 8 घंटे वो है आपके अपने लिए, आर यू पर्सनल एंड हु आर यू। ये जिज्ञासा सबसे महत्वपूर्ण है। वेदांत सूत्र कहते हैं अथातो जिज्ञा ब्रह्म जिज्ञासा, दुर्लभता से आपको मानव का शरीर मिला है तो अब ये जिज्ञासा करो कि मैं कौन हूं। एक बहुत बड़े मुख्यमंत्री थे बंगाल के 500 साल पहले, नवाब हुसैन शाह के शासन में, उनका नाम उस वक्त तो थे तो ब्राह्मण सारस्वत, परंतु क्योंकि उस शासन में काम कर रहे थे जो उस वक्त में मुगलों का था, तो उसको दबीर खास कहते थे। खास का मतलब इम्पॉर्टेंट और दबीर का मतलब वहां का जो मिनिस्टर माना जाए। साकिर मलिक एक दूसरे का भाई का नाम था जो फाइनेंस मिनिस्टर था। इस भगवद गीता को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए, होलिस्टिक शिक्षा के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की को का प्रदर्शन कर रहे थे। और वो मुख्यमंत्री चैतन्य महाप्रभु से आकर मिले और उनसे प्रश्न पूछा, संसार के व्यवहार में लोग मुझे मुख्य प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहते हैं, मुझे बड़ा विद्वान कहते हैं, परंतु मुझे ये भी पता नहीं है कि मैं कौन हूं। तो पहला प्रश्न ये था कि संसार के व्यवहार में, लोक में तो लोग मुझे कहते हैं कि मैं ये हूं मैं वो हूं, परंतु मुझे मालूम नहीं है मैं कौन हूं। पहला प्रश्न ये था कि मैं कौन हूं, और दूसरा प्रश्न पूछा कि सारी दुनिया, पूरा संसार सुबह से शाम तक 7 दिन, 30 दिन महीने के, 12 महीने साल के, और जब तक जीते हैं सुख के लिए प्रयास करते, सभी लोग केवल सुख ढूंढ रहे हैं, परंतु वो एक बहुत बड़ा अनुभवी मुख्यमंत्री कह रहा है, परंतु सबको अंत में पले में दुख पड़ता है। They are trying to be happy, but ultimately they are frustrated and completely unhappy. Why? मैं कौन हूं, सुख को सब चाहते हैं, दुख सबके पले पड़ता है, सारे प्रयास सुख के होता है, दुख क्यों? और तीसरा प्रश्न पूछा
What is the goal of life? अगर जीवन का लक्ष्य क्या है, लाइफ का गोल क्या है, क्या हमारा लक्ष्य है, व्हाट इज अवर एम? और फिर कहा वहां हाउ टू अचीव दैट, उसको प्राप्त कैसे किया जाए? सुचेतन महाप्रभु ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। जीवेरा स्वरूप है, जीव आत्मा का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन स्वरूप, सेवक है। आप दुनिया में मुझे बताइए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि मैं किसी की सेवा नहीं करता हूं? चिड़िया भी है तो दाना लाके अपने बच्चे के मुंह में डालती है, सेवा करती है। पशु पक्षी एक दूसरे की सेवा करते हैं। और किसी के पास सेवा के लिए कुछ नहीं होता है ना, पाश्चात्य देश में तो कुत्ता पालते हैं उसकी सेवा करते हैं, बुल्ली बिल्ली पालते हैं उसकी सेवा करते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कहे कि मैं को सेवा नहीं करनी है, सेवा करना हमारा धर्म। किसी न किसी की हमको सेवा करनी पड़ती है, नहीं तो अपने शरीर की तो सेवा करनी ही पड़ेगी। शरीर की सेवा करनी है, परिवार की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, मानवता की सेवा करनी है। और सेवा व्यक्ति किसी की क्यों करता है? दो कारण होते हैं, या तो सुख मिलता है या उससे प्रेम है। भाई हम काम क्यों करते हैं? कुछ पैसा मिलता है इसलिए करते हैं तो सुख मिलता है। या माँ अपने बच्चे की सेवा क्यों करती है? क्योंकि प्रेम करती है। तो सेवा के लिए दो ही कारण है, और तीसरा कारण है कोई डंडा मारेगा नहीं करेंगे, तो जैसे जैसे गुलामों से सेवा ली जाती थी, नहीं करोगे तो मार देंगे। तो भगवान ऐसा तो नहीं है कि डंडा मारेंगे कि नहीं करोगे तो। भगवान को है का कहना है कि हमने आपके दिल में प्रेम भर के भेजा था, हमारा प्रेम आपके दिल में हमने भर के भेजा था, आपने संसार में उस प्रेम को बिगाड़ के काम में बदल दिया। आई पुट द लव इन यूर हार्ट एंड यू हैव polluted it and made it lust। दुनिया में जिसको प्रेम कहते हैं, जिसको प्यार कहते हैं, लव कहते हैं, वो कुछ नहीं है, सिर्फ लस्ट का एक नाम है। तो गीता असल में हमको सिखाती है प्रेम। प्रेम होगा तो सेवा करेंगे। हम किसी से प्रेम करेंगे तो कैसे दिखाएंगे? सेवा करेंगे। तो जीव का स्वरूप है सेवा। किसकी सेवा, ये तो दूसरा प्रश्न है। किसकी सेवा, हमको एक कहानी याद आती है। एक गांव का बेचारा था, बुद्धिमान तो था, काम करने के लिए नगर में आया, शहर में आया। एक सेठ को कहा कि मैं आपके पास नौकरी करूंगा, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, रोटी देना, रहने की जगह देना, काम तुम्हारी इच्छा का करूंगा, परंतु शर्त एक है, आपसे कोई बड़ा आदमी आ गया तो मैं आपकी सेवा छोड़ के उसकी करने चला जाऊंगा। सेठ ने बोला, इस नगर का मैं बड़ा सेठ हूं, मुझे चिंता नहीं, इधर काम करो। काम करता, तनख्वाह नहीं लेता, अच्छा काम करता, रोटी खाता रहता बस। एक दिन सेठ के पास वहां का कमिश्नर आ गया। कमिश्नर सेठ जी उठ के खड़े हो गए, साहब आइए बैठिए, ब्राजिए। उसकी बड़ी अच्छी सेवा थी। वो जाने लगे तो इसने कहा, आप हमें मुझे विदा कीजिए, छुट्टी दीजिए, मैंने तो आपसे कहा था आपसे बड़ा नहीं आएगा तो मैं छोड़ के। ये बोला, ये आपसे बड़ा था? बोला हाँ, उसे बड़ा है, यहाँ का पूरा, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट है। बोला फिर मैं जाऊंगा उसकी सेवा में। चला गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, मैं सेवा करूंगा, इस सेठ की सेवा करता था, तनख्वाह नहीं लेता हूं, सेवा प्रेम से करूंगा, खाऊंगा और रहूंगा, आपसे बड़ा कोई आया तो चला जाऊंगा। उसने कहा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट का तो मैं इस मजिस्ट्रेट हूं, मुझसे बड़ा तो कोई है नहीं, मेरी सेवा करो, सुखी रहो। और सेवा कर रहा था, मंत्री आ गया। अब तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आगे पीछे खड़ा है,
इसने बोला ये आपसे बड़ा है क्या? ये तो यहाँ का मंत्री है, फिर मैं इसकी सेवा में जा रहा हूँ, आपको छुट्टी। मंत्री को जाके कह दिया मैं आपकी सेवा करूंगा, कुछ नहीं लूंगा, खाऊंगा बस रहूंगा, शर्त है आपसे बड़ा कोई आया तो चला जाऊंगा। मंत्री ने कहा यहाँ तो मैं बहुत बड़ा मंत्री हूँ, और कौन आएगा, सेवा कर रहा है तो प्रधानमंत्री ने बुला दिया तो मंत्री जी उसके आगे खड़े हो गए हाथ जोड़ के, बोला ये कौन है? बोला ये प्रधानमंत्री। बोला फिर इसकी सेवा करूंगा। अब सेवा बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री का मुझसे बड़ा कौन है, इस देश का तो मैं ही सबसे बड़ा हूँ। सेवा कर रहा है, एक दिन एक महात्मा आ गया और प्रधानमंत्री उसको प्रणाम कर रहा है। महाराज आपने कहा था कि सर आपने कहा था कि आप यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। बोला प्राइम मिनिस्टर मैं इंसान का हूँ, ये तो आदमी भगवान का है, ये महात्मा आया है, मैं इसको प्रणाम करता हूँ, उसके पांव पड़ गया, उनकी सेवा कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा नमस्कार, अब तो मैं आपकी सेवा नहीं, महात्मा के साथ। वो महात्मा के साथ चला गया, महात्मा को भी यही शर्त लगाया। महात्मा सीधा जाके मंदिर में भगवान को प्रणाम करने लगा। बोला ये क्या कर रहे हो, प्रधानमंत्री आपके पांव पड़ रहा है, आप क्या कर रहे हो? बोला ये भगवान है, इसकी सेवा करते हैं इसलिए प्रधानमंत्री हमारे पांव पड़ता है। बोला फिर आपसे ये बड़ा है? बोला हाँ। बोला फिर मेरे को इसमें सेवा में लगाओ? बोला हाँ। अब तुम सही जगह पे आए, ये है तुम्हारा असली धर्म। इतने सबको ढूंढ के आए लेकिन कहीं तुम्हारे को संतुष्टि नहीं हुई, अब देखो इसकी सेवा करके, अब इसकी सेवा मैं करता हूं, प्रधानमंत्री मेरी सेवा कर रहा है, तो ऐसी सेवा करो जो सेवा आपका स्वरूप है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो सेवा करो। और ये सिद्धांत, ये है भक्ति का सिद्धांत। प्रेम से सेवा करने का नाम है भक्ति। भक्ति की परिभाषा है प्रेम से सेवा करना। और गीता में अनेक उपदेश है, कर्मयोग का उपदेश है, ज्ञान का उपदेश है, ध्यान का उपदेश है, यज्ञ का उपदेश है, दान का उपदेश है, आदेश एक है। गीता में उपदेश अनेक है, आदेश एक है। और वो आदेश क्या है? भाव मत भक्त हो मेरे भक्त बन। कहीं भी नहीं कहा है कि ज्ञानी बनो योगी, नहीं, मेरे भक्त बनो। और फिर आश्वासन क्या दे दिया? कुंते प्रतिजानी नमे भक्त प्रणश्यति। कुंती पुत्र अर्जुन दुनिया को जाके घोषणा करके बता दो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मैं उसका रक्षक हूं। भगवान ने ये सिद्धांत को दिखाने के लिए और समझाने के लिए जहां भगवत गीता दी कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, उस रणभूमि के इस एक्सपेरिमेंट में भगवान ने दिखाया केवल भक्तों की ही रक्षा हुई, केवल भक्त ही पांच पांडव बचे, बाकी सब काल के गाल में चले गए। ये काल समय का दूसरा नाम है काल। भगवत गीता में पांच चीजें हैं, आज याद कर लीजिए, पांच विषय हैं भगवत गीता के। पहला विषय है मैं कौन हूं, दूसरा विषय है मैं किसका हूं, तीसरा विषय है कि मैं यहां संसार में बंधा हुआ क्यों हूं, किसने मुझे पकड़ के रखा है, चौथा है कब से हूं, और पांचवा है क्या करूं। मैं कौन हूं, इसका उत्तर भगवद गीता दे, तुम आत्मा हो। और दूसरे अध्याय में विशेष रूप से आत्मा के ज्ञान का वर्णन है। मैं किसका हूं, इसका 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं ममैव अंश जीवलोके जीव भूत सनातन। तुम मेरे अंश हो, मेरे छाती ठोक के कृष्ण कहते हैं तुम मेरे अंश हो, मेरे अटूट अंग हो, तुम मुझसे अलग हो गए हो इसलिए दुख भोग रहे। बोला किसने पकड़ के रखा है? बोला प्रकृति ने बांधा। किसने है? प्रकृति के गुणों ने, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण, और इन तीन गुणों की मोटी रस्सी बनी है, इससे सब लोग बंधे हुए। प्रकृति ने किसी को बांधा नहीं है, सभी प्रकृति के बंधन में जाके पड़े हैं। जैसे मछियारा जाल डालता है तो मछली अपने आप आके जाल में फंसती है, मछियारा अंदर तो नहीं जाता पकड़ के जाल में डालता तो नहीं है, मछली अपने आप आती। सो हम अपने आप माया की जाल में गिरे हैं,
उदाहरण देते हैं, श्री रामचंद्र से लक्ष्मण जी ने पूछा था कि माया कैसे पकड़ती, बोला पकड़ती नहीं, हम माया के गोद में गिरते हैं। एक उदाहरण दिया, बंदर को पकड़ने के लिए ये जो मदारी होता है ना, चार्मर जो मंकी को लेके घूमता है, वो एक सुराई में, सुराई आप समझते हैं जैसे वाटर पार, अर्धन वाटर पार, ऊपर का ऐसा बहुत नैरो होता है और नीचे मोटी होती है, उसमें कुछ चने और मूंगफली डाल देता है और बंदर देखता है उसमें आके हाथ डालता है, अंदर हाथ तो चला गया, अंदर मुट्ठी भर ली चने की, और मुट्ठी भर ली तो मुट्ठी मोटी हो गई, बाहर नहीं निकल रही, बोलता है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, किसी ने पकड़ा है उसको, किसी ने बंदर को पकड़ा है नहीं, मुट्ठी कैसे चने को छोड़ दे तो बाहर हाथ निकल आएगा लेकिन छोड़ेगा नहीं और खा भी नहीं सपाएगा, न छोड़ पाएगा न खा पाएगा, तब तक मदारी आके गले में रस्सी डाल देगा, तब हाथ बाहर निकालेगा, छूने भी नहीं मिले, गले में रस्सी पड़ गई, अब मदारी गली गली में घुमाता है और वो नाचता है, सबको हाथ जोड़ता है, सलाम करता है और नाच के दिखाता है, और मिलता क्या है, वही चने। अब बंदर को किसी ने कहा कि तुम गए उसमें जाके हाथ डालो, इतने सारे फल फूल पड़े हैं जाके खाओ, पेड़ों पे काय के लिए हाथ डाला जाके। ऐसे हम भी इस संसार में, असल में ये संसार ऐसा माया का जाल है जिसमें हम फंस गए हैं। तो किसने फंसाया है, बोला प्रकृति ने फंसाया, बोला कब से, बोला काल अनादि काल से। चौथा विषय है काल, तो पहला विषय है आत्मा, दूसरा है परमात्मा, तीसरा है प्रकृति, चौथा है काल। ये जो चार विषय है ना, इन चार के ऊपर हमारा कुछ नहीं चलता, ये अपने आप में एटर्नल है, ये नित्य है, ना आत्मा में कोई परिवर्तन हम कर सकते हैं, ना परमात्मा को अपने बस में चला सकते हैं, ना प्रकृति हमारे कहने से चल सकती है, और न काल के प्रभाव को हम रोक सकते हैं। एक पांचवा विषय हमारे हाथ में है, वो है कर्म। क्या करूं, कर्म, वो कर्म हमको कैसे करना चाहिए, ये है गीता की शिक्षा की कला। इसको भगवान कहते हैं कर्म ही कौशलम, कुशलता से कर्म करो। ये जो कुशल शब्द है ना, ये कुश घास से निकला हुआ है, जो पूजा के लिए कुश घास होता है ना, वो केवल 15 दिन, एक साल में एक बार ब्राह्मण उसको निकालता है और जड़ से निकालता है, अगर ऊपर से खींचेगा तो हाथ कट जाएगा, क्योंकि कुश घास बहुत तेज होता है, तलवार की धार जैसा, और जड़ रह गई तो बिना जड़ वाला कुछ पूजा में काम नहीं आएगा। तो कुशलता से काम करने का अर्थ है कि कर्म ऐसे करो कि पीछे जड़ न रहे, कि दोबारा उसका फल भोगना न पड़े, और कर्म करते हुए हाथ न कटे। तो काम भी करो, बंधन भी नहीं पड़े और हाथ भी नहीं कटे, कुशलता से काम करो। तो गीता में इसलिए तीन शब्द लिखे हुए हैं, विकर्म अकर्म और कर्म, कर्म अकर्म और विकर्म। कर्म का अर्थ है काम करो, उसका फल आपको मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा करेगा, ये कर्म है, और सभी लोग कर्म कर रहे हैं, और जो कर्म करेगा उसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के फल को तो भोगना ही पड़ेगा। अच्छा कर्म किया है, किसी को पढ़ाई कराई है तो जो आपको शिक्षा मंत्री दोबारा जन्म मिल जाएगा। So, कर्म करने से दूसरा जन्म मिलेगा, ये प्रश्न पूछा है अर्जुन ने, किम कर्म, कर्म किसको कहते हैं, भगवान कहते हैं भूत भाव उद्भव कर विसर्ग कर्म संज्ञितः, जिसके द्वारा हमारे को दोबारा शरीर धारण करना पड़े उसको कर्म कहते हैं। तो कर्म करेंगे तो बंधन पड़ेगा ही पड़ेगा। बोला विक्रम क्या है, बोला जो बताया हुआ काम है ना, जो नहीं करना है वो करना विक्रम है, उल्टा, चोरी नहीं करना, चोरी करना विक्रम है, जुआ नहीं करना, जुआ करना विक्रम है, किसी को नहीं मारना, किसी को मारना विक्रम है, उल्टा। और उसका तो इस संसार में भी जेल में जाना पड़ेगा, डंडे खाने पड़ेंगे, मरने के बाद यमराज नरक में डाल के अच्छी तरह से पिटाई करे, तो विक्रम तो करना ही नहीं चाहिए। कर्म करेंगे तो भी जन्म मृत्यु में भले स्वर्ग जाए लेकिन वापस तो आना ही पड़ेगा। तो अकर्म क्या है, बोला कर्म भी करो
परंतु बंधन न पड़े उसको अकर्म कहते हैं। कर्म करो परंतु बंधन न पड़े, दिखता है कि कर्म कर रहा है लेकिन उसमें कोई, तो इसमें दो शब्द हैं। कर्म करते हुए दो चीजें अगर हमारे अंदर नहीं आई, पहला है कर्तापन का अभिमान, मैं करता हूं, और दूसरा है भोक्तापन। कर्तापन का मतलब डूअरशिप और भोक्तापन का अर्थ है एंजॉयर। कर्म में कर्तापन और भोक्तापन नहीं है तो कर्म अकर्म है। मैं कर्म का भोक्ता नहीं हूं, मैं कर्म का कर्ता नहीं हूं, तो कर्म का भोक्ता कौन है? भगवान। यही तो गीता में कह दिया, इसी को शांति का सूत्र प्रभुपाद जी कहते हैं, भोक्ता आरम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वर्द सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति किसको मिलती है? प्रभुपाद लिखते हैं शांति का सूत्र ये है। तो पहले ये समझना चाहिए कि झगड़े का कारण क्या है, तब शांति समझ में आएगी। संसार में झगड़े का कारण क्या है? पहला ये है, कौन भोगेगा? मैं भोगूंगा। नहीं, कौन एंजॉय करेगा? मैं करूंगा। नहीं, मैं करूंगा। ये जो आपस में झगड़ा है, इस ये पोस्ट कौन लेगा, ये चीज कौन लेगा, ये मेरे को चाहिए, ये झगड़े का कारण। और भगवान कहते हैं मैं हूं भोगता रहा। और दूसरा झगड़े का कारण क्या है? मालिक कौन है इसका? मैं इसका मालिक हूं। नहीं, मैं इसका मालिक हूं। भगवान कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम, मैं सब लोगों का स्वामी हूं, तुम किसी के कुछ भी नहीं है तुम्हारा। तुमसे पहले ये धरती यहीं पड़ी थी, कितने राजा महाराजा मर गए, नाम निशान भी इतिहास में मिट गया, पता नहीं कौन आज उसका मालिक है, कोई कितने कहते कहते मर गए। तो झगड़े का कारण है भोक्ता कौन है और मालिक कौन है। और भगवान कहते हैं ये दोनों मैं हूं। बोला हमारा भला चाहने वाला कौन है? हर एक कहता है मैं तुम्हारा, हर नेता कहता है मैं आपका भला करूंगा, कि आज तक किसी का नहीं है, कहते हैं कि तुम्हारा हम भला करेंगे। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं, सुहृद सर्वभूतान, मैं हूं तुम्हारा शुभ चिंतक। तुम्हारा कोई रिश्तेदार नातेदार तुम्हारे को कहीं भगवान न करे कभी अस्पताल में दाखिल करें तो तुम्हारी जगह पे दवाई खाएगा क्या, सुई लगाएगा क्या, ऑपरेशन कराएगा क्या, कोई जेल में जाएगा तुम्हारे साथ, जेल में जाना पड़ेगा तो हम जाते हैं कभी जेल में प्रचार करने, बच्चों से पूछते हैं कि तुमने काम किसके लिए किया, बोला चाचा ने कराया। मैंने तो जेल में चाचा आया, बोला नहीं आया। मैंने भगवान तेरे साथ आया दिल में कि नहीं आया? भगवान तो तुम्हारे साथ परमात्मा के रूप में इधर भी आ गया, कभी नहीं तुम्हारा साथ छोड़ता है। एक जन्म से दूसरे जन्म में जाना पड़े, गधे से कुत्ता होना पड़े या देवता होना पड़े, भगवान फिर भी हृदय में बैठा है। तो सीधी सी बात है, गीता का एक संदेश है कि प्रेम करो जगत गुरु श्री कृष्ण से, क्योंकि वो तुम्हारे को कभी छोड़ता नहीं है, तुम्हारे से वास्तव में प्रेम करता है। एक बच्चा था, स्कूल से बाहर रहता था, हॉस्टल में, घर में नोट आया, माता ने कहा बेटा ये थोड़ा लान बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सीधा कर लो। बच्चे ने लान सीधा कर लो, बोले कपड़े दो चार इस्त्री कर तो कर दी, बाजार से सामान लिया लेके आगे, दोपहर के भोजन पे इतना बिल रख दिया टेबल के, माँ लान काटने के 25 रुपये, कपड़े इस्त्री करने के 15 रुपये और 25 रुपये सेवा के। माता ने देखा, माता को हंसी आ गई, माता बोली कुछ नहीं। रात को डिनर के वक्त माता जी ने इतना बड़ा चिट्ठा लिखा कि बेटा तुम्हारे को 9 महीना पेट में पाला, कोई पैसा नहीं, तुम्हारे को पीड़ा से जन्म दिया, कोई पैसा नहीं, तेरे को अपना दूध पिलाया जो खून मेरा पिघल के दूध बनता है, कोई पैसा नहीं कभी दिया, तुम्हारा बिस्तर बदलती, तुम्हारे कपड़े बदलती, तुमको पढ़ाया, तुमको खिलाया, कोई पैसा नहीं, जीरो। तो पता है ये क्यों मैं मुफ्त में करती हूँ? माँ ने नीचे लिखा, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, इतना सब मैं तुम्हारे लिए करती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। बच्चे को डिनर पे जब ये मिला तब उसकी आंखों से आंसू आ गए कि दो काम करने के मैं पैसे मांगता हूं, इसने आजीवन मेरी सेवा की है और उसके पीछे प्रेम है। तो ये जो प्रेम, भगवान हमसे प्रेम करता है इस दुनिया में, इस वक्त कोरोना के समय में देखो ऑक्सीजन की कितनी बड़ी समस्या चल रही है, और जब से ये दुनिया बनी है तब से मुफ्त में सबको ऑक्सीजन मिल रही है, किसी को कोई पैसा देना पड़ा? आज सबसे महंगी हवा है और बिना पैसे सबको मिल रही है, गरीब को भी वही, साहूकार को भी वही।
तो भगवान ने ये मुफ्त में हमको क्यों दी, इसके पैसे क्यों नहीं लगाए? क्योंकि हमसे प्रेम करता है। आपके घर में बिजली है, पैसा नहीं दोगे तो महीने में तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले काट देंगे। भगवान ने एक ही आकाश में गोला लगाया है, सूर्य, जिसकी बिजली सब ले रहे हैं, कभी पैसा धरा है? मुफ्त में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? क्योंकि हमसे प्रेम करते हैं। सांस लेने के लिए हवा मुफ्त में, पीने के लिए पानी दिए तो शुद्ध थे, लेकिन हम लोगों ने गंदा कर दिया। वो भी अभी भी प्रिजर्वेटिव डाल के समुद्र में रखा हुआ है, और तीन हिस्सा पानी है, कभी पानी का कमी नहीं होगा दुनिया में। ये हमको बेवकूफ बना रहे हैं, बोतल 25 रुपए में बेच रहे हैं, ये हमारा शोषण हो रहा है भगवान की तरफ से। प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि पानी का अभाव होगा, बोल नहीं, 3/4 धरती में समुद्र है, भगवान ने प्रिजर्वेटिव डाल के रखा है। जितनी आवश्यकता पड़ेगी, गर्मियों में आकाश में उड़ा के बादल बनाएंगे, बिना तुम्हारे किसी पंप के, बिना बिजली के ऊपर पानी चला जाएगा, और बिना किसी प्लेटफार्म के ऊपर बादल घूमता रहेगा, 10,000 हाथी से भी ज्यादा भारी होता है, और समय आने के ऊपर वर्षा होगी, नदियां बहेंगी, धरती के ऊपर पानी की कमी नहीं होगी। परंतु वर्षा कब होगी, भगवान ने भगवद गीता में कह दिया, वो भी मेरे बस में। प्रभुपाद को किसी ने पूछा था कि क्या जरूरत है भगवद गीता की, बोलो देखो ये श्लोक आज भी है, अनाद भवती भूतानि, तुम सब अन्न खाते हो कि नहीं? तो अन्न तो बरसात से होता है, और बरसात यज्ञ से होती है, कर्म से होती है, और कर्म यज्ञ से होता है। ये तुमने करना छोड़ दिया, इसलिए बरसात कभी पहले आती, कभी बाद में आती, कभी नहीं आती, कभी अकाल हो जाता, नहीं तो हर समय आएगी। तो सब प्रकार से भगवान हमसे प्रेम करते हैं, हमारे हृदय में बैठे हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, और उससे प्रेम करना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। उनसे रिश्ते को भूलना दुख का कारण है, उनके साथ रिश्ता जोड़ना सुख का साधन है। प्रेम करो श्री कृष्ण से और व्यवहार करो जगत से, प्रेम कृष्ण से, व्यवहार जगत से, दुनिया से अच्छी तरह से। योर रिलेशन विद वर्ल्ड शुड बी परफेक्ट, पति से पत्नी का, पति से पति का, पत्नी से पत्नी का, सेठ से सेठ का, मालिक से मालिक का, सेवक से सेवक का, बेटे से बेटे का, डू योर ऑल रिलेशन परफेक्टली। व्यवहार संसार से, प्यार कृष्ण से। हमने बोल तो उल्टा कर दिया, प्यार संसार से करते हैं, व्यवहार भगवान से करते हैं। संडे संडे जाते हैं कभी मंडे मंदिर में, व्यवहार भगवान से नहीं, व्यवहार संसार से। ये दुनिया वाले रिश्ते जो है ये तो एक जन्म के है, और भगवान के साथ रिश्ता हमारा अनादिकाल से और नित्य है, शाश्वत है। उस रिश्ते का महत्व नहीं देकर और संसार के रिश्तों को उससे ऊपर कर देते हैं, इसलिए संसार में समस्या हो जाती है। और इस दुनिया में जिससे भी हमने प्रेम किया, वो एक समय पे ऊपर हमको छोड़ के चला गया, बड़ा था, बुजुर्ग था तो मर गया, और छोटा था, लड़के थे वो भी चले गए, बड़े हो गए चले गए अपने धंधा नौकरी करने, शादी हुई तो पत्नी के साथ चले गए। अब तुम्हारा प्रेम किससे? भगवान से करो, जो कभी तुम्हें छोड़ के जाने वाला नहीं है। तो प्रेम भगवान से, व्यवहार संसार से। प्रायोरिटी आत्मा के लिए दो, और उसके लिए गीता में तो साफ कहे, सततम कीर्तयन्तो माम यततश्च दृढवृत्ता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासक। वो महात्मा है जो मेरी देवी प्रकृति के आश्रय में है, निरंतर मेरा कीर्तन करते, बड़े दृढ़ व्रत लेते हैं और सदा सुखी रहते हैं। जो भगवान से जुड़ा हुआ है वो शांत भी है, वो सुखी भी है, और जो भगवान से बिछड़ा हुआ है वो अशांत है और दुखी। तो भगवान से जोड़ने के लिए गीता का नाम है योग शास्त्र। योग का मतलब भगवान से संबंध स्थापित करना, तो गीता का नाम है योग शास्त्र। और गीता में विद्या है ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या का मतलब साइंस ऑफ सोल, और योग शास्त्र का अर्थ कनेक्टिंग विथ कृष्णा थ्रू दी डिवोशनल सर्विस दैट इज लव। तो ब्रह्म विद्या का मतलब है साइंस ऑफ सोल, और योग शास्त्र का अर्थ है स्क्रिप्चर ऑफ लव ऑफ गॉड। और इसके लिए वेरी सिंपल प्रैक्टिकल
और एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड जो साधन है वो है युग धर्म संकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन सब मिलकर करना। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, मैंने अमेरिका में जाके प्रचार किया, वो लोग न भारत से थे, न उनको कृष्ण का पता था, न गीता का पता था, न भागवत का पता था, परंतु इनके हृदय में कृष्ण थे ना, बैठे थे और कृष्ण प्रेम था, इसलिए मैंने कीर्तन किया और ये जान कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया। नहीं होता तो कैसे होगा? जैसे बच्चा जन्म लेता है उसमें उड़ने की ताकत नहीं है, उसको चला उड़ने के लिए आप कुछ भी सिखाओ, बड़े से बड़ा ट्रेनर रखो, लेकिन उसे उड़ी नहीं, उसको चलने का सामर्थ्य, उड़ तो नहीं सकता है। और पक्षी का बच्चा बिना सिखाए के उड़ जाएगा। तो अंदर अगर ये नहीं होता प्रेम सबके, तो ये कैसे भक्त बनते? हमने केवल इस प्रेम को प्रकट किया है और कुछ नहीं किया है, साधन बताया है। इसके लिए एक उदाहरण दे के इस क्लास को यहाँ विराम देते हैं। वो पानी के नलकूप जो होते हैं ना गांव में, हैंडपंप, उनमें पानी गर्मियों में, मई जून का महीना होता है ना, गर्मी के कारण पानी के और पंप के बीच में वैक्यूम हो जाता है, खाली जगह हो जाती है, और पंप को चलाते हैं हवा आती है। तो बुद्धिमान क्या करते हैं गांव के लोग, पानी का बाल्टी भर के दो चार जगह ऊपर से डालते हैं, तो वैक्यूम खत्म होता है, फिर चलाते हैं, पानी निकल आता है। ऐसे भगवान का प्रेम भगवान ने भर के भेजा है, माया ने वैक्यूम बना दिया है। ये भगवत कथा और कीर्तन कान के द्वारा दो चार बाल्टी अंदर डाल दो तो ये प्रेम बाहर निकल के आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। और प्रभुपाद जी ने ऐसे ही पूरे दुनिया के अंदर केवल कीर्तन करके और प्रसाद खिला के, कौन नहीं कर सकता, कौन नहीं खा सकता बताए? बच्चा भी खा सकता है, बूढ़ा भी खा सकता है, माता भी खा सकती है, बेटी भी खा सकती है, और कौन नहीं बोल सकता है? सभी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और ये जप सकते हैं और खा सकते हैं, और इससे हमारा भगवत प्रेम अपने आप जागृत हो जाएगा। बहुत सरल साधन है। सो भगवत गीता प्रैक्टिकल मैनुअल एक्चुअली, पहले तो हमें सक्रिय करना, हमने हमारे अंदर जो करने की शक्ति है उसको पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए प्रेरित करता है जी। जो हमारे टैलेंट्स हैं उनको 100% विकसित करने के लिए जो है इंस्पायर करता है, और दूसरा हमारी परमानेंसी का हमको कह के हमारे को आश्वासन है कि वी आर एटर्नल, वी आर हमेशा के लिए, कोई चीज रह गई तो कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे। और तीसरी, मैं भगवान कहते हैं आपके पीछे हूं। जैसे दुनिया के अंदर भी पहले तो हमारे में काम करने का सामर्थ्य हो, फिर हमको कोई कहे कि आपके सर्विस परमानेंट है तो हम अच्छी तरह से काम करेंगे, टेम्पररी तो अच्छी तरह से नहीं करेंगे। और फिर कोई कहे कि मैं तुम्हारे पीछे हूं, तुम परवाह मत करो, कुछ कमजोरी हो गई तो मैं तुम्हें ठीक कर लूंगा। तो भगवान कहते हैं हम तुम्हारे अंदर जो क्षमता है उसको पूर्ण तरीके से प्रकाशित करने के लिए प्रेरित करते हैं, और तुम्हारे को नित्य, तुम्हारे नित्यता का तुम्हें बोध कराते हैं, और तुम्हारे साथ सदा भगवान तुम्हारे सहायक हैं, मार्गदर्शक हैं, दर्शक हैं, वो तुम्हारे को आश्वासन दिलाते हैं। तो फिर तुम इस धरती के ऊपर अच्छे से अच्छी तरह से काम करते हुए भी भगवान को नाचते कूदते खाते पीते प्राप्त कर सकते हो। भगवद गीता आंखें बंद करके और जंगल में जाने की शिक्षा नहीं दे रही है, निकम्मा बनाने की शिक्षा नहीं दे रही है। अर्जुन ने कहा मैं जंगल में जाऊं, बोला नहीं काम करो यार, तुम्हें लड़ना आता है तो लड़ो, मारना आता है तो मारो, मेरे लिए मारो, और इसी में भी तुम्हारे को मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो कृष्ण की सेवा में लगना और उसके लिए इस महामंत्र का जप करना और भगवान का प्रसाद खाना, ये गीता का सरल साधन। गीता एक लाइन में गीता का संदेश दे दूं, गीता के ऊपर जो फोटो पड़ा है ना उसमें गीता का पूरा संदेश है। एक रथ है, रथ में घोड़े जुते हुए हैं, घोड़ों में लगाम है, लगाम कृष्ण के हाथ में और पीछे अर्जुन बैठा हुआ। ये हमारा शरीर रथ है, इसकी इंद्रियां ये आंख नाक घोड़े हैं जिनके द्वारा हम चलते हैं, मन इसका लगाम है और बुद्धि इसका ड्राइवर है साथी, और हम आत्मा इसके अंदर यात्री हैं या पैसेंजर है। अर्जुन की जगह पे हम हैं आत्मा, अब बुद्धि में कृष्ण को बिठा दो साथी की जगह पे और लगाम उसके हाथ में दे दो,
देखो इंद्रियों के न घोड़े बगे उनको संयम के कोड़े लगे गोविंद गोपाल गाते चलो हरि नाम का खजाना लुटाते चलो। दो ही चीजें हैं, मन रूपी लगाम कृष्ण के हाथ में देकर उसको बुद्धि में बिठा दो। यही पूरी भगवत में कृष्ण गीता में कृष्ण मांग रहा है, मई मई एव मन आधस्त हुआ मई बुद्धि में निवेश है, तेरा मन मेरे हवाले करो, तेरी बुद्धि में मुझको निवास कराओ तो तेरा सारा समस्याओं का समाधान। अर्जुन ने कृष्ण को सारथी बनाया और महाभारत के युद्ध में विजयी हुआ। हम इस संसार सागर के युद्ध में से विजयी होना चाहते हैं तो मन कृष्ण में लगाएं और बुद्धि में कृष्ण को बिठाएं। हरे कृष्ण, धन्यवाद कृष्ण सर्वम। प्रभु जी आप आए और हम लोगों का मार्गदर्शन किया और भगवत गीता का जो रसामृत है हमें पान करने का मौका आपके थ्रू मिला और इसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे और आपका सानिध्य हमें मिलता रहे और हम अपने जो कर्म हैं उनको सही ढंग से करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सार्वभौम प्रभु जी आपका आपको मैं किसी कोई प्रश्न जिज्ञासा तो नहीं है? नो क्वेश्चन कमेंट्स। एक प्रश्न प्रभु जी मैं पूछना चाहता था आपसे। हाँ जी हाँ जी। ऐसा क्या है, जैसे आपने तो बहुत अच्छे से समझाया उसको, कि हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि शायद हम कृष्ण के अर्जुन के समान हो या वैसी युद्ध वाली स्थिति तो हमारे साथ नहीं होती है, तो हमारे लिए भगवत गीता में कैसे हम उसको आत्मसात करें जो हमारे आम दिनचर्या का जो भागदौड़ है। युद्ध का या युद्ध का अर्थ हमारे लिए हमारा जो हमारा कर्तव्य कर्म है वो जी, ये महावाक्य गीता के तस्मात सर्वेशु कालेशु मान माम अनुसमर युद्ध च, हर समय मेरा स्मरण करते हुए काम अपना करो जी। आपको काम आता है वही करो परंतु स्मरण मेरा करो। तो इसका अर्थ है कि हम जो भी काम हमको आता है, अर्जुन क्षत्रिय था तो वो क्षत्रिय का काम कर रहा था, हम अगर व्यापारी हैं तो व्यापार करें, किसान है तो खेती करें, परंतु स्मरण भगवान का करें कि सबके पीछे हमारे पीछे वही है जो ये सुविधाएं हमको दे रहा है, सब चीजों का मालिक वो है, उसके साथ अपना संबंध जोड़ के अपने कार्य तक हर एक कार्य को। एक हमारे मित्र डॉक्टर हैं, पूरी गीता उनको याद है, वो यही श्लोक पढ़ते हैं जब ऑपरेशन करते हैं कि मैं काम अपना कर रहा हूँ, सुमरण तो आपका कर रहा हूँ भगवान जी। तो जो भी काम करो अपना काम करो लेकिन सुमरण भगवान का करो जी। तो अपने जीवन में पहले ही सुबह से, जैसे वैक्सीन लगा के आदमी आजकल वैक्सीन लगाते हैं कि कोरोना ना हो, ऐसे सुबह घर से भगवान का नाम जप के और बाहर निकलो तो वैक्सीन लगा के हुए निकले, फिर अपने काम पे जाओ तो कोई बीमारी नहीं लगेगी, रोग नहीं लगेगा। तो इसलिए हम अपने काम करते हुए भगवान के साथ कैसे जुड़े, ये बहुत सरल है, सरल सी बात है। हमारी चेतना को बदलना पड़ेगा, भगवान को प्राथमिकता देनी पड़ेगी हमें। अच्छा बाजार में आम नजर आएगा मौसम का तो आम आदमी को विचार आता है मैं ले जाऊं, मैं खाऊंगा, पत्नी को दूंगा, बेटे को दूंगा, और भक्त का विचार है आज भगवान को भोग लगाएंगे आम का, लेकिन वो भोग लगाएगा प्रसाद हम खाएंगे। अब इसमें क्या है, पहले भगवान याद आ गया। तो अब अगर आप कमा के लाते हैं महीने में तनख्वाह, घर में भगवान का मंदिर है उसके आगे रख दो कि भगवान आपकी सेवा हो गई, ये आपकी सारी लक्ष्मी आई है ये आपके चरणों में, ये आपकी सेवा में। अब वो भगवान तो उठा के ले जाएगा नहीं, वो लक्ष्मीपति है, परंतु आपके मन का भाव हुआ कि मैं भगवान का सेवक हूँ, ये उसके लिए काम कर रहा हूँ, और फिर उसमें से सेवा भगवान की करो, अपने परिवार को पालो के बेटा दिया है भगवान ने, आपका है, आपने दिया है, अब इसको मुझे शिक्षा देनी है, ये पत्नी है आपने दी है कि हम दोनों मिलकर ऐसी तरह से सेवा कर सकें। सिर्फ मानसिकता बदलानी है और कुछ नहीं करना, चेतना को बदलनी है, कॉन्शियसनेस को बदलनी है। बहुत खूब बहुत खूब। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सार्वभौम प्रभु जी आप आए और हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर एक बार मौका मिला मुझे जुड़ने का, ये बहुत सौभाग्य की बात है। नमस्कार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, मिलेंगे फिर। मिलेंगे। संजीव मिश्रा जी धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। यू रिमेम्बर टॉम्स के, उसको कई साल हो गए जी, 5-6 साल हो गए हमें, इतना हो गया। वो मुझे वो दिन याद है और वहाँ के लोग से मैं अभी भी संपर्क में हूँ और काफी, मतलब आपने एक बात सही कही कि वही शहर था जिसने भगवत गीता पे बैन लगाया था और आज वहाँ पे मतलब भगवत कृपा से
कृष्ण चेतना जो है वो मैं कहूंगा घट घट में व्याप्त है उस शहर में। अच्छा अच्छा मैं तो उधर मिला भी था उनके लोगों से जी। चलो अच्छा है, फिर कभी मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण।